टुडे वी विल डिस्कस नोबल प्राइज ऑफ 2018। तो बात ये आती है कि 2018 के नोबल प्राइज़ क्यों, 2019 के क्यों नहीं। तो 2019 के इसलिए नहीं क्योंकि दिसंबर में दिए जाते हैं, तो दिसंबर 2019 में दिए जाएंगे तब याद करेंगे, तो दिसंबर तक के एग्जाम में यही आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला भौतिकी। जो भौतिकी का जो नोबल प्राइज़ है ना, तो ये नाम अजीब हैं, तो सिर्फ हम कोडिंग से याद करेंगे। तो भौतिकी का जो टीचर है, हम एक स्टोरी टाइप में, भौतिकी का जो टीचर है वो स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है मतलब कि, तो स्ट्रिक्ट है। और इस जो स्ट्रिक्ट है ना, इसका अर्थ है कि वो बहुत मारता है, मतलब कि पीटता है। क्या कोडिंग बनाई, भौतिकी का जो टीचर है वो स्ट्रिक्ट है, और जो इसका अर्थ है ना, इसका अर्थ है वो बहुत मारता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, जो ओल्ड व्यक्ति है, अर्नोल्ड मतलब ओल्ड व्यक्ति है, उसका नाम स्मिथ है। वो विंटर मतलब सर्दी में, कोई तो सर्दी में क्या है, चाय पीता ही रस पीता है। तो इसकी क्या खास बात है, अर्नोल्ड ओल्ड व्यक्ति जो स्मिथ है वो विंटर में रस पीता, चाय नहीं पीता। ओल्ड व्यक्ति जो स्मिथ है वो स्मिथ विंटर में क्या पीता है, रस पीता है। कोडिंग होगी, नाम भी याद होगी। नेक्स्ट जो नेक्स्ट कोडिंग है वो है सन से कोडिंग करते हैं। जो सन है ना, सन का क्या खराब है, तासीर। हरियाणवी में तासीर का मतलब होता है तबीयत खराब, और तबीयत किससे रिलेटेड टर्म है, चिकित्सा से रिलेटेड टर्म है। तो एलिसन, एलिसन मतलब कि सन की क्या है, तासीर खराब है, तबीयत खराब हो, किससे रिलेटेड है, चिकित्सा से संबंध रिलेटेड है। तो ये चिकित्सा की नोबल प्राइज याद हो गए। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है, शांति। अब की बार ये कहेंगे 2018 में जो शांति का ना सही ढंग से दिया गया, जो शांति नहीं फैलाते उनको दिया गया। नादिया है, नादिया मतलब बछड़ा, वो कहाँ शांति फैलाएगा, वो तो वैसे उदंड होता है। और एक डैनिश, डैनिश से यहाँ कोड बनाएंगे, डैनी जो फिल्मों के अंदर जो डैनी वर्ड होता है ना, गुंडों का नाम होता है, और यहाँ नादिया। तो शांति के अपोजिट ही एक तरीके से देखा जाए तो अब की बार शांति को नोबल प्राइज दिया गया है। तो नाम याद हो गए। नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो कोडिंग है वो है, हमने यहाँ कोडिंग बनाई रोमर से। पूछ लो भी रोमर, रोमर क्या है, रोमर का जो अर्थ, जो नो रोमर है ना, रोमर का अर्थ क्या है, रोमर का जो अर्थ क्या है। तो कहने लगे जो रोमर का जो अर्थ है ना अर्थशास्त्र में, वो है नोरधास। क्या है, नोरधास, एक बार दोबारा से देखते हैं। इसलिए जो रोमर है, रोमर का अर्थशास्त्र में जो अर्थ है वो क्या है, नोरधास। क्या है, नोरधास। तो सभी कोडिंग होगी, यही कोडिंग थी। यदि हम कोडिंग से करेंगे तो हमें जल्दी याद होंगे। थैंक यू।